बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा चरण है जो दिल्ली से शुरू हो गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा आज शुरू हुई है और गाजियाबाद के रास्ते ये यात्रा यूपी में एंटर करेगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद के बाद ये यात्रा बागपत रवाना होगी। बागपत में नाइट स्टे होगा। 4 जनवरी को शामली में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। 5 जनवरी को पानीपत के रास्ते हरियाणा में यात्रा एंटर करेगी। यूपी की यात्रा को लेकर खास ख्याल रखेगा तो खास ये रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा में यूपी में प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के यूपी के नेता भी इसमें नजर आएंगे। अच्छा, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कुछ अन्य दलों के नेता भी नजर आ सकते हैं। देखना ये होगा कि क्या अन्य दलों के नेता नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अन्य दलों के नेताओं को न्योता तो दिया गया था। ये कांग्रेस की तरफ से कुछ बयानों में नजर आया था। अब देखना ये होगा कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को कितना जन समर्थन मिलता है, कौन कौन से नेता इस यात्रा में नजर आते हैं, प्रियंका गांधी कब इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यूपी पहुंचती है। बड़ी बात ये भी रहेगी कि क्या यूपी के अन्य दलों के नेता भी इसमें हिस्सा लेंगे क्या। तो भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा चरण है। दिल्ली के कश्मीरी गेट से आज ये यात्रा निकली है। यात्रा गाजियाबाद के रास्ते यूपी में एंटर करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, कौन कौन से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ नजर आए हैं और यात्रा का क्या रूट आपको दिल्ली में नजर आया, क्या व्यवस्थाएं? और बिल्कुल देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। कश्मीरी गेट से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। कश्मीरी गेट से जो यात्रा है ये निकल चुकी है लोधी रोड होते हुए अब गाजियाबाद में, क्योंकि थोड़े ही वक्त बता है जब गाजियाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां पर लगेगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब ये यात्रा जाएगी। राहुल गांधी के साथ बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। तमाम जो कांग्रेस के, चाहे दिल्ली प्रदेश कमेटी की बात करें या फिर जो सीनियर नेता हैं वो राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद गाजियाबाद में ये यात्रा प्रवेश करेगी। कुछ ही देर बाद गाजियाबाद में एंट्री करेगी और वहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो उस यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में जो पड़ाव है वो उत्तर प्रदेश में जाएगा। उसके बाद जो जानकारी है कि बागपत में ये जो कहीं ना कहीं ठहराव इस यात्रा का होगा और उसके बाद जो 5 तारीख को पानीपत में यात्रा जाती हुई नजर आएगी। जी अच्छा, देखिए सुरक्षा में चूक की बात भी सामने आई थी जब यात्रा का पहला चरण था। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि सुबह ही हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से जो रूट्स हैं, पहले ही दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से प्लानिंग यहां पर होती हुई नजर आ रही थी। एक दिन पहले से तमाम जो रूट्स हैं वो दिल्ली पुलिस ने बनाया था और उस रूट पर जिस तरीके से सुबह हमने आपको दिखाया कि जो मेट्रो के आसपास के जो इलाके हैं उनको पूरी तरीके से सील किया हुआ था, क्योंकि जिस जिस इलाके से ये यात्रा गुजरेगी ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगे कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी आज काफी ज्यादा गंभीर नजर आई। पहले से ही जो रूट प्लान्स की बात करें, दिल्ली पुलिस की फोर्सेस की बात करें, दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी वो मौके पर मौजूद थे। ऐसे में अब क्योंकि यात्रा कश्मीरी गेट से आगे निकल चुकी है, लोधी स्टेट होते हुए गाजियाबाद में एंटर करेगी, तो वहां उसके बाद जो यात्रा की बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में कुछ ही देर बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर नजर आई। वहीं लेयर सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा, ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं, तो सिक्योरिटी की पूरी तरीके से हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस बार पूरी तरीके से सिक्योरिटी कर रखी थी। लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर 3 राउंड की बना रखी थी। रसीसों से बात करें, बैरिकेटिंग कर रखी थी पूरी तरीके से और अब ये यात्रा कहीं ना कहीं होती हुई अब गाजियाबाद में एंटर करेगी। जी अच्छा, देखिए गाजियाबाद से आज ये यात्रा यूपी में एंटर कर लेगी। यूपी में कौन कौन से बड़े कांग्रेस के नेता नजर आएंगे राहुल गांधी के साथ, और कहा तो यहां तक जा रहा था कि अन्य दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या अन्य दलों के यूपी के नेता भी शामिल होंगे इस यात्रा में? और बिल्कुल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है वो काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर काम कर रही। कार्यकर्ताओं से मीटिंग की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो यात्रा है गाजियाबाद के अलग अलग जिले में जाएगी, विधानसभाओं में जाएगी, और एक बड़ी जानकारी जो है कि इस जो जैसे ही यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी, क्योंकि बागपत में इसका ठहराव है, ऐसे में जो बड़ी जानकारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का हिस्सा हो सकती है और कांग्रेस के तमाम जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, बड़े जो सीनियर नेता हैं वो इस यात्रा का हिस्सा होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश
कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से काफी लंबे समय से संघर्ष जरूर कर रही है, पर जो कार्यकर्ता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जोरों शोरों से स्वागत करने की बात जरूर कर रहे हैं। देखने की बात होगी क्योंकि कुछ देर बाद यानी कि आधे से पौन घंटे में ये यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाएगी, तो किस तरीके का स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के सीनियर नेता है वो करते हुए नजर आते हैं।